हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी आई क्यू अकेडमी स्वागत है। आज आपके लिए मैं बताने वाला हूं कि रेलवे एलपी एंड टेक्नीशियन रिजल्ट कब आ सकता है। आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें पूरी जानकारी दे रखी है। यदि आपने अभी तक लोको पायलट सीबीटी 3 का एग्जाम रिजल्ट नहीं देखा है तो वो जरूर देख लीजिए। तो आपके पास हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। हर RRB 21 जोन जो भी है, सभी 21 जोनों के अंदर आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो आप जरूर देख लीजिए। आप पास हो गए या फेल हो गए जरूर कमेंट करके बताइए। अब का आएगा टेक्नीशियन और एएलपी का रिजल्ट, जिसकी आपकी लिस्ट जारी हो जाएगी, जिसमें 1.5 गुना विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है तो आपको मैं बता देता हूं। तो चलते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं अपन। तो ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिससे रिलेटेड आप देख सकते हो CN1 2019 असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन, जिसका आप देख सकते हो रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट पब्लिशिंग ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV, यानी कि देख सकते हो आप, आपका जारी कर दिया गया है। अभी आपने देख लिया होगा द टेस्ट बैटरी वाइज टी स्कोर, तो देख सकते हो टी स्कोर में आपके 30 नंबर का था, उसमें 30 नंबर में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं आपने देख लिया होगा। किसी के 18 नंबर आ रहे हैं तो किसी के 20 नंबर आ रहे हैं, किसी के 19, तो किसी के 21, किसी के 22, ऐसे नंबर आ रहे हैं दोस्तों। और जिसके 42 नंबर से कम आए, यानी कि वो क्या हो चुका है, नॉट क्वालिफाई, यानी कि वो फेल हो चुका है टी स्कोर में, अब उसको इसमें नहीं जा सकता है। किसमें नहीं जा सकता, वो एएलपी में नहीं जा सकता। यदि उसने ITI कर रखी है तो वो किसमें जा सकता है, अभी टेक्नीशियन बाकी है उसके पास। यदि आपने मान लो BTEC कर रखी है, BTEC वालों के पास भी टेक्नीशियन बाकी है अभी यू साइंस में से हो तो, ठीक है। साइंस मेथ वालों के लिए केवल इसमें ओनली टेक्नीशियन है और ITI वालों के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ इसमें क्या है। अब रिजल्ट डेट कब कहाँ पर है, तो देख सकते हो द RRB वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर असिस्टेंट लोको पायलट एंड वेरियस टेक्नीशियन पोस्ट पब्लिशिंग सेपरेटली बाय द रेस्पेक्टिव RRBs, तो देख सकते हो विद इन फ्यू डेज, तो फ्यू डेज में आ जाएगा आपका रिजल्ट, देख सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यानी कि आप इतना दिनों में रिजल्ट जारी किया गया, यानी कि आज के 20 दिन हो गए होंगे, लगभग 15-20 दिन रिजल्ट हो गए टी स्कोर को हुए, तो यानी कि उन्होंने सब कुछ तैयारी रख रखी है, तभी उन्होंने ऐसा बोला है कि फ्यू दिनों में यानी कि कुछ ही दिनों में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। साफ साफ उन्होंने बोल दिया है यहाँ पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। इंपॉर्टेंट नोटिस है दोस्तों, सभी RRB को आप चेक करते रहिए, आपकी जो भी RRB है रिगार्डिंग जो भी है वहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी जानकारी थी यहाँ पर जो मैंने बता दी है, आप रेगुलरली चेक करती रहिए ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ साफ साफ लिख रखा है कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट RRB's ऑफिशियल वेबसाइट, तो देख सकते हो। जैसा कि आपने आज पता चला है कि आज बताया नहीं गया था कि रिजल्ट आज टी स्कोर जारी किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ऐसी कोई सूचना नहीं थी, डायरेक्ट ही लिंक एक्टिव हुआ और डायरेक्ट ही आपका रिजल्ट शो होने लग गया आज ही। ये बहुत ही बड़ी खबर थी, क्योंकि इससे क्या होता है, मान लो पहले खबर मिल जाती तो विद्यार्थी क्या करते हैं, वेबसाइट बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है और रिजल्ट भी नहीं देख पाते आधे स्टूडेंट। तो इसीलिए क्या किया है RRB ने, आज कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, डायरेक्ट रिजल्ट जारी कर दिया है। ये बहुत ही बड़ी खबर थी, आज ही की न्यूज है, देख सकते हो दोस्तों। तो ये 4/6/2019 ऑफिशियल नोटिफिकेशन सभी वेबसाइटों में जारी कर दिया गया है। तो आप इस वीडियो को क्या करो, ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके कि इस दिन आपका रिजल्ट आएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।